हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, गेस करना। साहब बोलोगे क्या कुछ? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैन फोकस, उसी पे ही। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है। हाँ, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा ये मत बताना। सिटी में घुस गए हैं अभी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, गेस करना आप लोग। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है। बारिश होने वाली है। ब्लैक ब्लैक बादल हो गए। ये लो भाई, हमारे साहब की गाड़ी देखो कितने पे चल रही है, कैसे दिखाए। देखिएगा 100 पे चला रहे हैं। रोड खाली है ना, इसलिए हमारी नजर नहीं रहती है, तभी भी भगा लेते हैं। स्पीड भी कम करो, स्पीड कम करो ना, बारिश स्टार्ट हो गई। ओ बेटू प्लीज प्लीज। ये देखो गाड़ी चलाने की नई स्टाइल। और हम बातों में इतने मस्त रहते हैं कि हमारा शॉर्टकट था 40 किलोमीटर कम का, वो भी भूल गए हैं साहब। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल। अब हम आपको सुनाएंगे हमारे साहब का गाना। इसको तो बंद करती हूँ। आवाज तेज करो, वॉल्यूम हमें नहीं सुनाई दे रहा है। अभी 2-2.5 घंटे हो गए हैं लगातार गाड़ी चलाते हुए, ज्यादा हो गए। एक पैर वो ऊपर रखा गया है, रोड पूरा का पूरा खाली है। गाड़ी थोड़ा सा रेस्ट ड्राइविंग हो रही है और खाना भी खाली है। खाना खाली है, थोड़ा बहुत नींद आने लग जाती है। अभी एकदम मैडम के हाथ की गर्मा गर्म चाय चाहिए, पर अभी मैडम खुद साथ में है लेकिन गैस सिलेंडर नहीं है हमारे पास में, तो कहीं होटल पे रुक के चाय वगैरह पियेंगे। अभी तो रोड पूरा खाली है, लेकिन आगे हम हिसार पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। आप क्यों बता रहे हो? गैस करने के लिए कहा था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप अभी गैस कर लीजिएगा। हिसार से होते हुए जा रहे हैं, हिसार से होते हुए हम आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि कल का ऑफ है।
दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, क्या मीरा हमने पारे बहुत जोरदार बरसात हो रही है, विजिबिलिटी एकदम से घट गई है, जीरो पे हो गई है। आगे हरियाणा रोडवेज का तूफान चल रहा है, तो मैं उसके पीछे कर लेता हूँ ताकि पानी का फुहार भी कम लगे और उसकी स्पीड भी मेरी गाड़ी की बराबर रहेगी। और ये भी थोड़ा डर गया है बरसात को देख के, तो मेरे को ही आगे निकालना पड़ेगा और इसको रास्ता में दिखाऊंगा। बहुत जोर की बरसात हो रही है, विजिबिलिटी नेगलिजिबल हो रही है अभी। गाड़ी का स्पीड मैंने 20 से कम करके 80 भी कर लिया है, ताकि थोड़ा मेरे को वो कंट्रोल करना आसानी हो जाए। भारत है, यहाँ पे रॉन्ग साइड से भी साधन आ जाते हैं कई बार। और एक बोर्ड वाले भाई साहब थे, उनको अच्छा मौका मिल गया, वो निकाल ले गए मेरे से, वरना काफी देर से परेशान हो रहे थे ओवरटेक करने के लिए। मेरा इंटरव्यू लिया था अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी ने, अब मैं वो मनोज जी का लूंगी, बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन है, चैलेंज क्वेश्चंस। तो अपनी वाइफ की 5 खूबियां बताओ। मेरी वाइफ में बहुत सारी खूबियां हैं। अच्छा, अभी मेरे सामने ही है ना। बहुत केयरिंग है, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है। छोटी चीज है कि वो मेरे से हर टाइम मतलब उसके सामने ही रहना चाहिए। मतलब कि अगर मैं थोड़ी दूर देर भी अगर चला जाऊँ कहीं पे ऑफिस टाइम के अलावा, तो फिर वो इस टाइप रिएक्शन आने लग जाते हैं, जो सब सब नहीं होती है। और मतलब कि थोड़ा मतलब कि उदास हो जाती है बीवी से, ये हर बीवी में होती है। और एक प्योर है कि वो मतलब मेरे लिए भी कपड़े खुद ही पसंद करती है। ये मेरी शिकायत है, मेरी तारीफ है, मेरी तारीफ है। चलो अच्छा ही बुरा ही बताओ। और वाइफ को सबसे बुरा तब लगता है जब मैं गाड़ी पे खर्चा करता हूँ। क्यों? तब तो फिर कहती है कि मैं थोड़ी पहली तो गाड़ी हो गई है और फिर तो गाड़ी लाड़ी हो जाती है ना? गाड़ी लाड़ी होती है, तो मैं गाड़ी को भी बहुत अच्छी रखता हूँ, गंदा वंदा करके रखता हूँ। अच्छा, मेरे लिए। और बुराई बताओ। बुराई नहीं थी। अच्छा, और बताओ, आपको अपने वाइफ की सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? किसने किया ये तो मेरे सामने बोल रहे आप क्यों नहीं है? कौन आ गया, किसका है? हमारी मम्मी का आ गया।
और फ्रेंड्स, तो आप भी बताना कि आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो अपना टाइम पास कैसे करते हो। हम तो ऐसी बकवास करके ही टाइम पास करते हैं, दोनों सॉन्ग सुन लेते हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं और एक दूसरे की कमी बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं उनकी। हालांकि हमारे साथ हमेशा झूठ बोलते हैं, उनको पता है मेरे में खूब कमी है लेकिन मेरे सामने नहीं बताते, है ना साहब? मेरी व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं बताओ? जो सरप्राइज था उसको हम रिवील कर देते हैं। हम आ रहे हैं घर पर हमारे मोबू से मिलने, मम्मी पापा से भी मिलने। 8 घंटे का सफर तय कर लिया है हमने। रात हो गई है, देखो अंधेरी रात हो रखी है, अंधेरी रातों में 9:30 हो रहे हैं। बीच रास्ते में बरसात थी, उसकी वजह से ड्राइविंग थोड़ा धीरे करना पड़ा। मेरा घर की तरफ भी खूब बरसात हो रखी है, बड़ा सुनसान रोड है, एक्चुअली में गाँव का रोड अभी सुनसान हो जाते हैं रात के टाइम पे। इस टाइम पे गाँव बराल रह गया, चारों तरफ तूफान ही तूफान है, पहाड़ों की तलहटी है बसी हुई गाँव, दोनों तरफ पहाड़ है। फिर अंधेरे में आपको दिखेंगे नहीं, वरना तो अभी चढ़ा देते। ठीक है, तो फिर हम आपको हमारा घर और कभी दिखाएंगे, मोगू की मस्ती दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में।